बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं तमाम दोस्तों को अपने ऑनलाइन बाइक स्पेशलिस्ट यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद करता हूं। दोस्तों, आज हमारा टॉपिक जो वीडियो बनाने का है वो ये है कि काफ़ी सारे दोस्तों की ये कंप्लेंट आ रही है और हर दूसरे दोस्त की ये फ़ोन होती है, यही कॉल होती है, ये मैसेज होते हैं कि सर न्यू मॉडल हमने बाइक ली है 2020 2021 2022, ये सुबह के टाइम तकरीबन 10 से 15 किकें लेती है मोटर बाइक, फिर जाके ये स्टार्ट होती है। स्टार्ट भी करो तो फिर एक्सीलेटर अगर छोड़ दो तो वो स्टार्ट रुकती नहीं है। वो क्यों नहीं रुकती, इसी टॉपिक पे आज हमने वीडियो बनानी है और आप सब दोस्तों को पूरी डिटेल के साथ बताना है कि इसके अंदर मेजर प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में जो मौसम है वो भी आप सब दोस्तों को पता है और कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पे ठंड ज़्यादा है, वहाँ पे तो मोटर बाइक तकरीबन 50 किक के बाद स्टार्ट होती है, हालांकि न्यू बाइक होती है, उसको इस तरह करना नहीं चाहिए। वो क्यों करती है, यही डिटेल आप सब दोस्तों के साथ शेयर करनी है। तो दोस्तों, चलते हैं अपने प्रोसेस और टॉपिक की तरफ और आप सब दोस्तों के साथ गपशप करते हैं। जी तो दोस्तों, आज जिस टॉपिक के मुताबिक हम वीडियो बना रहे हैं उसका ये मसला क्या है, मोटर बाइक के अंदर क्या इशू आ रहा है। वो इशू ये होता है कि जब मोटर बाइक न्यू मॉडल है और कोई भी मोटर बाइक 125 CD 70, तो उनका यही कहना होता है कि अरशद भाई मोटर बाइक पहली किक पे स्टार्ट नहीं होती, दूसरी किक पे नहीं, तकरीबन 10 से 15 किक के बाद जाके मोटर बाइक स्टार्ट होती है। तो वो ऐसा क्यों होता है, वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इंजन ऑयल के अंदर, जब इंजन के अंदर इंजन ऑयल डालते हैं, फिट करते हैं, उसको स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं, तो उस टाइम तो स्टार्ट हो जाता है क्योंकि मौसम उस टाइम दिन का मौसम होता है, मौसम इतनी ठंड नहीं होती, मोटर बाइक चाहे कमरे के अंदर क्यों ना हो वहाँ पर हीटर वगैरह तो होता नहीं है कि मोटर बाइक के इंजन को हीट मिलती रहे, जो सुबह उठ के हम किक लगाएँ तो पहली किक पर स्टार्ट हो जाए। तो चोक भी इसीलिए लगाई गई है, चोक के मुतालिक अगर हम बात करें, चोक इसलिए लगाई गई है जब हम चोक ऊपर करते हैं तो पीछे का सर्किट बंद कर देता है, एयर जो है वो मुकम्मल तौर पे बंद हो जाती है, तो जब फ्यूल आगे डायरेक्ट जाता है, एयर भी जाती है, एयर का भी होल होता है, फ्यूल का भी, फ्यूल ज़्यादा जाता है, एयर कम जाती है, तो मोटर बाइक फौरी स्टार्ट हो जाती है। तो बगैर चोक के हमने स्टार्ट करना है कि अगर ज़्यादा ठंड है आपके इलाके में, बहुत ज़्यादा ठंड है, तो वहाँ पे आप क्या काम कर सकते हैं कि चोक दे के ही मोटर बाइक स्टार्ट करें। लेकिन मैं कहता हूँ कि जो मैं फार्मूला आप सब दोस्तों के साथ शेयर करने वाला हूँ, इंशाल्लाह आपको चोक उठाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिल्कुल ही गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पर इंजन ऑयल की हम ग्रेड देखे जाएँ तो यहाँ पर 20W40 भी है, 20W50 भी है, और 15W40 भी है, और 10W40 भी ऑयल है, और अब तो 10W30 भी ऑयल आ गया है। तो मैं आप सब दोस्तों को यही रिकमेंड करूंगा कि मेरे पास इस टाइम एक इंजन ऑयल का डब्बा मौजूद है जो कि आप सब दोस्तों के लिए मैंने ही रखा हुआ है और आप सब दोस्तों को ब्रीफ करने के लिए, क्योंकि मोटर बाइक के अंदर जब हम इंजन ऑयल 20W50 या 20W40 इस्तेमाल करते हैं तो जब बाइक को सुबह के टाइम हम स्टार्ट करते हैं तो ऑयल थिक हुआ होता है, ऑयल जो है वो थिक हुआ होता है, इस वजह से किक्स जो है वो काफ़ी सारा मोटर बाइक मांगती है। उसके बाद जाके वो जब सर्कुलेशन ऑयल की हो जाती है, स्प्रॉकेट है, अंदर क्लच बॉक्स है, गियर ट्रांसमिशन है, हर चीज़ स्प्रॉकेट है, वो सर्कुलेशन की वजह से मोटर बाइक का ऑयल जो है वो थिक होना ख़त्म हो जाता है, मोटर बाइक का ऑयल अपनी जगह पे आ जाता है, मोटर बाइक स्टार्ट हो जाती है। और स्टार्टिंग के टाइम फिर दोबारा बंद होने का वो खदशा होता है, खदशा क्या होता है, बंद हो जाती है, मोटर बाइक एक्सीलेटर छोड़ते हैं मोटर बाइक बंद हो जाती है, या एक्सीलेटर को पकड़ के रखें मोटर बाइक स्टार्ट रहती है, उसके बाद जब मोटर बाइक गर्म हो, इंजन को थोड़ी सी हीट हो जाती है, गर्म हो जाता है, तो ऑयल अपनी पोजीशन पे आ जाता है, मोटर बाइक स्लो रुक जाती है। तो इस टाइम मेरे पास एक एटलस हुंडा का ऑयल मौजूद है 10W30, ये 10W30 इंजन ऑयल इसीलिए मैंने सामने रखा है कि आपको ग्रेड समझा सकूँ, ज़रूरी नहीं है, यहाँ पर एक लिखा होता है API SL JSO ME2, ये तो हर ऑयल पे लिखा होता है, वो इनके सेमी सिंथेटिक मीन्स के वो एडिटिव होते हैं, एडिटिव के हिसाब से ये ग्रेड बनाया जाता है। और इस इंजन ऑयल के 5 फवायद होते हैं, लुब्रिकेशन करना, सिलिंग करना, इंजन को ठंडा रखना, इंजन को जंग लगने से बचाना और इंजन की सफाई करना, लुब्रिकेशन पहला इसका टास्क है। तो जब ऑयल थिक होता है तो इस टाइम मोटर बाइक स्टार्ट नहीं हो पाती। तो मैं आप सब दोस्तों को ये रिकमेंड करूंगा, या 10W30 से इस्तेमाल करें, या 10W40 से इस्तेमाल करें, या 15W40 से इस्तेमाल करें। जब ये ऑयल इस्तेमाल करेंगे, मैं चैलेंज के साथ आप सब दोस्तों को कह रहा हूं कि इंशाल्लाह मोटर बाइक आपकी स्टार्ट भी होगी, स्लो भी रुकेगी, मोटर बाइक इंजन ऑयल ज़्यादा थिक नहीं होगा, क्योंकि ये ऑयल थोड़ा सा हल्का पतला ऑयल होता है, तो इसीलिए जो 10 से स्टार्ट हो रहा है। अच्छा, यहाँ पर मैं एक और बात बताऊँ कि जहाँ पर बर्फबारी होती है, सर्दी बहुत ज़्यादा होती है, वहाँ पर 5W30 भी है, 5W40 भी इंजन ऑयल इस्तेमाल होता है। तो मैं आप सब दोस्तों को ये बताना चाहता हूँ कि ये ऑयल सिर्फ और सिर्फ 1.5 महीना या 2 महीना जो अभी सर्दियाँ थोड़ी बहुत ही रह गई हैं वो उसके लिए आपने इस्तेमाल करना है, उसके बाद आपने 20W40 या 20W50 से इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि मौसम काफ़ी सारा चेंज हो जाएगा तो आपकी मोटर बाइक के अंदर कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि रगड़ ज़्यादा होती है, हीट होता है, एक ऊपर से सूरज की हीट होती है, गर्मी होती है, एक मोटर बाइक की अपनी एक गर्मी होती है, उसकी वजह से मोटर बाइक को वो ज़्यादा नुकसान भी हो सकता है, नुकसान नहीं भी हो सकता। लेकिन इस मौजूदा टाइम
कि जो सर्दी का टाइम है उसमें आपकी मोटर बाइक ज़्यादा ट्रबल करती है स्टार्टिंग में। न्यू बाइक, हालांकि न्यू बाइक के अंदर तो कोई खदशा नहीं पैदा हो सकता कि पहली किक पे वो स्टार्ट हो, लेकिन वो क्यों नहीं हो रही, वो सिर्फ इस वजह से नहीं हो रही क्योंकि हम 20W40 और 20W50 से इस्तेमाल करते हैं। आप 5W40 या 10W40, 10W30, 15W40 वो इंजन ऑयल का ग्रेड आप इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह मैं कहता हूँ कि आपके मोटर बाइक के अंदर ये क्लेम खत्म हो जाएगा, ये आपकी कंप्लेंट भी खत्म हो जाएगी कि मोटर बाइक स्टार्ट नहीं होती। अच्छा, तो दोस्तों यहाँ पे मैं एक और बात भी शेयर करता चलूँ कि काफ़ी सारे दोस्त अब आप ये भी कहते हैं कि सर ये प्लग के अंदर इशू हो सकता है, कार्बोरेटर के अंदर इशू हो सकता है, कि यार दिन को नॉर्मल टाइम, दिन को जब हम स्टार्ट करते हैं तो उस टाइम ना कार्बोरेटर का मसला होता है ना ही प्लग का मसला होता है, सुबह के टाइम प्लग का और कार्बोरेटर का इशू आ जाता है। मैं नहीं मानता, मैं ये आप सब दोस्तों को फिर दोबारा तबलीग करूंगा कि आप कोशिश करें कि ये जो महीना डेढ़ महीना या दो महीने टाइम अभी भी सर्दी का है तो आप कोशिश करें उसके अंदर 15W40, 10W30 ये आप इंजन ऑयल इस्तेमाल करें। आप कोई कंपनी इस्तेमाल कर रहे हैं, ग्रेड जो मैं बता रहा हूँ वो आप इस्तेमाल करना चाहिए, कोई कंपनी बुरी नहीं होती, हर कंपनी अच्छी होती है। हाँ, ये भी यहाँ पर मैं ज़रूर कहूँगा कि कॉपी ऑयल इस्तेमाल नहीं करना, एक नंबर ऑयल इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आपके मोटर बाइक के अंदर जो ये कंप्लेन है ये स्टार्टिंग ना होने वाली तो इंशाल्लाह ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगी, बिल्कुल सही हो जाएगी। मैं आप सब दोस्तों को चैलेंज के साथ कह सकता हूँ कि आप ऑयल इस्तेमाल करें, ग्रेड जो मैं बता चुका हूँ वीडियो के अंदर, और एक कोशिश और भी किया करें कि शुरू से लेकर एंड तक वीडियो वॉच किया करें, क्योंकि कुछ ऐसे अल्फाज होते हैं जो आप स्किप कर देते हैं, वो रह जाते हैं, आगे आपको समझ नहीं आती, फिर मुझे आप कॉल करते हैं अरशद भाई आपकी वीडियो देखी है लेकिन हमें समझ नहीं आ रही। वो समझ इसलिए नहीं आ रही होती, हालांकि जो मैं शुरू से लेकर इस टाइम तक आप सब दोस्तों को ये ब्रीफ कर रहा हूँ इंजन ऑयल के मुतालिक, तो टोटल इंजन ऑयल के मुतालिक ही ब्रीफ कर रहा हूँ। मैं मोटर बाइक को सामने नहीं रख रहा, मैं मोटर बाइक के फॉल्ट के मुतालिक बात नहीं कर रहा। फॉल्ट ये है कि फॉल्ट भी नहीं है, ये कंप्लेन है, ये क्लेन है, मीन्स के हमने इसको हल करना है। वो कंप्लेन यही है कि सुबह के टाइम मोटर बाइक स्टार्ट नहीं होती, तो उसको हल करने के लिए आप ये इंजन ऑयल का ग्रेड इस्तेमाल करें। जब आप मोटर बाइक आप वीडियो वॉच करके मुझे कॉल करके कहते हैं, फिर मुझे दुख होता है कि यार एक भाई को, एक भाई के साथ मैंने वीडियो वो शेयर की है पूरी मीन्स के दुनिया के सामने रखी है कि शुरू से लेकर एंड तक वीडियो जो वॉच करते हैं उनको हर चीज़ की समझ आ जाती है, पहले अल्फाज से लेकर लास्ट अल्फाज तक हर चीज़ जब समझ आ जाएगी तो मुझे भी मेरे ख्याल में कॉल करने की आपको ज़रूरत नहीं, कि आप अपना हाल मसला खुद ही कर सकते हैं। तो यही चीज़ आप सब दोस्तों के साथ गुजारिश करनी थी, और आज ये ऑयल के मुतालिक ये ऑयल के मुतालिक आज सब दोस्तों के साथ ब्रीफ करना था कि इंजन ऑयल का ग्रेड कौन सा इस्तेमाल करना चाहिए और किस मौसम में इस्तेमाल करना चाहिए। इंशाल्लाह मैं ये जब सर्दी का मौसम कुछ खत्म हो जाएगा, गर्मी स्टार्ट होगी, तो गर्मियों के लिए इंशाल्लाह मैं एक नेक्स्ट ऑयल की वीडियो जो है वो लाजमी बनाऊंगा कि आपको अभी कौन सा ऑयल इस्तेमाल करना चाहिए। बाकी आपकी अपनी मर्जी है, जो ऑयल इस्तेमाल करना चाहते हैं, जो कंपनी इस्तेमाल करना चाहते हैं वो भी आपकी मर्जी है, लेकिन ग्रेड जो है वो यही होना चाहिए जो मैं आपको बयान कर चुका हूँ। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये आपकी बनी जो वीडियो है, ये जो मैंने ब्रीफ किया है सब दोस्तों के लिए कारामद हो, और इंशाल्लाह साथ में ये भी कहूँगा कि सब्सक्राइब बटन ज़रूर प्रेस करें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि हर आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच जाए और आप वीडियो को एंजॉय करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट अच्छी वीडियो में, अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।